मैं निशांत कुमार आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं बता दूं कि आज औरंगाबाद जिला के हंसपुरा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम रघुनाथपुर में उपस्थित हूं। मैं बता दूं कि यहां आज आग लगी हुई है जिस गांज में। मैं बता दूं यहां पे बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे हो गए हैं, भीड़ इकट्ठे भी हो गई है यहां पे। अभी फायरमैन की गाड़ी है, आग बुझने की बात पहुंची है फायरमैन की गाड़ी। और यहां ग्रामीण लोग से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये आग कैसे लगी, क्या कोई बताएगा। अब आइए हमारे साथ यहाँ का वर्तमान मुखिया फुरकान खा चुके हैं, मैं उनसे जानने की प्रयास करता हूँ। सर, आखिर आग ये आज कैसे लगी? हाँ, हमको पता चला कि टांग में आग लगा है। वहाँ पहुँचे, पता किया कैसे लगा है, तो पता चला कि बिजली का तार टकराने से तिरंगी उड़ा रहा था, और तिरंगी जब फंस गया तो खींचा, उसमें टकराया, उससे अच्छी गाड़ी गिरा, उससे आग लग गया। जब तक हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किए, उसको आने में लगभग एक घंटा लगा है। दाऊदनगर से आने में समय भी लगता है, वो अपने समय से सही हो गया। तो देखिए, अब मैं बता दूं कि जिसके जो गांज में आग लगे था वो हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ आखिरकार आग पे जो इतनी स्ट्रगल करने के बाद काबू पाया गया, आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए? आवाज नहीं आ रहा है, बोलते रहे बोलते रहा, आवाज नहीं सुना देता करना वो एरिया वाले ने। अरे चुप ही सुनाई ना दे, कम से कम 30,000 का नुकसान मेरा हुआ। अब आप क्या करेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी चाहिए, सरकारी को सरकारी विभाग दे देता हूं मुआवजा। फायर मैन, अच्छा मैं आपको बता दूं कि अभी काम बड़ी मार मार रहा है। बोल बोलो तो ना, ऐसे तो अरे भाई साहब, हमारे रघुनाथपुर गांव में लाइन के आपस में टकराव के कारण ये पूरा धड़ल की आग एकदम बेंदाज एकदम। हाय ना बड़का, हाय दिखाई बड़का कने के काय बड़का और ऊपर छोड़ा ना नीचे जानो नीचे बचाओ सचिन उसे ना हो। अरे वो पानी उतना ना है भाई, अरे पानी ना है सचिन उतना यार, उतना पानी ना है, ये खाली लहर जाएगा ना तो अस्थिर से अगिया हो जाएगा बस। शॉर्ट सर्किट हार अमल का नसीब, शॉर्ट सर्किट से लग गया, क्या कर बही, शॉर्ट सर्किट से लग गई तो क्या कर बही, यही ले लक्ष्मी की। इसे तेरे के जो धान चल गया तू गोबर पर ध्यान दे ले है। एक मिनट अरे भाई बाप, पूरे बर्बाद होली मलका के, हमनी प्रेम से बैठल ही और कहीं ना करते, हमनी को मालूम ना चलते पूरा दे दे, पूरा दे दे पानी, पूरा दे दे, यही सब जितना भिन चावल बने एक रूम भाई चावल को दी दे, बोरी वाला नहीं लाइन है यार, देखी कहीं कि कैसे चलते लाइन कट गए, शॉर्ट सर्किट से आगे लग गई यार, खाली ऊपर जल देती बोरिंग चालू करके ना ऐसे ऐसे कर ले ना, शॉर्ट सर्किट हाँ वही की बस गिर गया। अच्छा मैं बता दूं कि आखिर आग पे काबू कैसे पाया गया, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? ग्रामीण जनता पहले प्रयास बहुत किया है, और बगल में बोरिंग है, दो चार लड़का है, सचिन उचिन सब था, अपना बहुत प्रयास करके कंट्रोल कर लिया था, उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड आ गया अपना काम कर रहा है। अच्छा फायर ब्रिगेड आ गया अपना काम कर रहे हैं, जैसे
मुखिया जी का कहना है कि पहले जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी बच्चों के द्वारा, जो इस पतंग उड़ाया जा रहा था उसके धागे से तार खींचने के, और जो ये आपस में टकराई और उसके आधुनिक से आग लग गई। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं जो जिन्होंने अपने मशक्कत से आग पे काबू पा लिया है, फिर भी हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद है। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या स्ट्रगल रहा होगा, कितने देर आग पे काबू पाने में लगा होगा। सर हमारे साथ यहाँ पे उप मुखिया है, जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ सर आप बताएं आग पे कैसे काबू पाए। रघुनाथपुर ग्राम के जो इतने भी ग्रामीण थे उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद 500 बोझे में जो आग लगी थी, मेहनत करने के बाद आग पे काबू पाया और अभी फायर ब्रिगेड जो आया है वो अपना काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है फायर ब्रिगेड के आने में देरी हुई है या आग जब बुझ गया, और उसके बारे में क्या कहेंगे? फायर ब्रिगेड के आने में तो देरी नहीं हुई, कहा है कि यहाँ से जो दूरी है, जो अनुमंडल से जो दूरी है हमारे ग्राम पंचायत का 30 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ से आने में तो लमसम 1 घंटा समय लग जाएगा, 1 घंटा लगेगा। और उतना टाइम में ये लोग आ गए हैं फायर ब्रिगेड लोग, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 घंटा तो लगेगा ही वहाँ से आने में। अच्छा अब ये बता दें कि जिसका भी नुकसान हुआ है अब वो तो फिलहाल अब कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन आप क्या कहेंगे सरकार के माध्यम से? सरकार के माध्यम से जो इनको मिलने के लायक होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे, और नहीं मिलने के लायक होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुआवजा की बात है तो प्रयास किया जाएगा मुआवजा के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पब्लिक का जो भी नुकसान होता है अगर सरकार के अंडर में है कि मुआवजा दिया जाए तो हम लोग कोशिश करके इनको मुआवजा देने का काम करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। अभी बात को ब्लॉक तक पहुंचा दिया गया है, सीओ साहब से भी बात हुआ था मेरा, जब हम घर पे थे तो बात किए थे, तो बोले कि जाके देखिए जो होगा तो होगा। अच्छा ये जो गांज थी बुझा के जो जिसमें भी आग लगा है, ये गांज किसका है जो हम जानना चाहेंगे आपसे? इसके बारे में तो हमारे मुखिया जी ही बताएंगे कि किनका गांज है, हमें पता नहीं है। मोहन राम का गांज है, तो अब उनका क्या नुकसान हुआ है तो अब वही बताएंगे। 500 बोझा तो हम बोले कि 500 बोझा तकरीबन है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं फिर यहाँ पे मुखिया जी के पास आने का प्रयास करता हूँ। सर क्या आपको लगता है आपकी तरफ से कोई ऐसा राहत राशि मिलने का उम्मीद? पंचायत स्तर से तो कोई नहीं है मदद करने का, और इसे अंचल में इनको देना पड़ेगा एप्लीकेशन, और थाना में FIR करना पड़ता है, सनहा दर्ज करना पड़ता है, उसके बाद थाना प्रशासन को तो हम लोग फोन भी कर दिए हैं, वीडियो को भी फोन कर दिया है, हम लोग को जानकारी है सीओ साहब से बात करनी है, और जो होगा हम लोग जितना प्रयास बनेगा दिलाने की कोशिश करेंगे, प्रावधान होगा तो मिलेगा ही। अच्छा अभी जो जिसके गांव में आग लगा हुआ है क्या यहाँ पर मौजूद है? हाँ मोहन राम से थे यहाँ पे, थोड़ा सा